पिछले 400 सालों से नवरात्र पर लगने वाले रीवा के ऐतिहासिक रानी तालाब मंदिर में विशेष मेले का आयोजन सुबह 4 बजे महाआरती के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर भक्तों की रही भारी भीड़। पिछले 400 सालों से नवरात्र पर लगने वाले रीवा के ऐतिहासिक रानी तालाब मंदिर में विशेष मेले का आयोजन सुबह 4 बजे महाआरती के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर भक्तों की रही भारी भीड़। सभी मां के दर्शन सबसे पहले करने के लिए बेताब नजर आए। यहां पर 9 दिन तक लगातार भक्तों का सैलाब नजर आएगा। रीवा के नवरात्रि पर्व के शुरू होते ही पहले दिन रीवा के ऐतिहासिक रानी तालाब मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सुबह 4 बजे महाआरती का हुआ आयोजन रीवा के ऐतिहासिक रानी तालाब मंदिर में। पिछले 400 सालों से नवरात्र पर लगने वाले विशेष मेले का आयोजन आज सुबह 4 बजे महाआरती के साथ प्रारंभ हुआ। हम आपको बता दें, यहां पर 9 दिन तक भक्तों का मेला रहता है। इसी दौरान खास मेले का आयोजन किया जाता है। रानी तालाब में कालिका माता मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन से ही भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। खास तौर से महिलाओं की श्रद्धा इस मंदिर को लेकर कुछ ज़्यादा ही है, जिसके चलते यहां पर काफ़ी भीड़ देखी जाती है। वहीं प्रधान पुजारी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, सुबह 4 बजे के पहले माँ का विशेष श्रृंगार किया गया। रानी तालाब मंदिर में किस तरीके से व्यवस्था है और 9 दिन किस तरीके से श्रद्धालु दर्शन पा सकते हैं? देखिए, यहाँ जो है स्नान बंद हो चुका है, यहाँ पहाड़ से लोगों को दर्शन कराया जाएगा। लोग दर्शन करेंगे। आज कुटुम शैलपुत्री का दर्शन है। कुटुम शैलपुत्री चादे ब्रह्मचारिणी रे चंद गण देते चतुर्थी को सुमान देते। आज जो है कुटुम शैलपुत्री महाआरती करके सुबह 4:30 बजे और दर्शन खोला गया है और भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। पुलिस फोर्स व्यवस्था डिपार्टमेंट नगर निगम पेट विभाग सारे डिपार्टमेंट अपने लगे हुए हैं। डॉक्टर भी बैठे हुए हैं। सबकी व्यवस्था यहाँ चलेगी। ये कौन सा मंदिर है आप लोग यहाँ भी दर्शन? जी, ये रानी तालाब का माता जी का मंदिर है। तो किस तरीके से इस मंदिर में नवरात्रि में धूम रहती है? जी, बहुत अच्छा है। मैं पहली बार ही आई हूँ यहाँ। पहली बार? जी, पहली बार। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सब अच्छा है। काफ़ी लोग आए हुए हैं माता जी के दर्शन के लिए।